दोस्तों व्हाट्सएप पे जो AI का फीचर आपको मिला हुआ है ना, ये वाला, ये अपडेट बहुत दिन पहले ही मिला हुआ है सबको, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आया हुआ है कि पहले हम लोग सिर्फ इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको हिंदी में भी यूज़ कर पाओगे। हिंदी कहने का मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी में टाइपिंग करना है, हम यहाँ पर बताएंगे कैसे यूज़ करना है। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के व्हाट्सएप से रिलेटेड न्यू टिप्स एंड न्यू अपडेट सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके आप चेक करना व्हाट्सएप पर कोई अपडेट है या नहीं। व्हाट्सएप अपडेट आया हो तो उसको अपडेट कर लेना बिल्कुल, ठीक है, तभी आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। अब देखिए आपको ये जो सर्कल मिल रहा है यहाँ पे, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद इस तरीके से ऑप्शंस आपको नजर आएगा, ये चीज़ पहले भी शो हो रहा था, ठीक है। अब देखिए हम इस पर टैप करेंगे। अब मान चलो आप जिससे चैटिंग करते हो कंटिन्यू कर लेंगे सबसे पहले, तब यहाँ पर क्या चैटिंग करते हैं, खाना खा लिए, जैसे कि ये तो हिंदी नहीं हो। देखिए हम यहाँ पर टैप करते हैं खाना खा लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये हिंदी हुआ लेकिन हम इसको इंग्लिश में टाइप किए हैं। अब आप इस तरीके से टैप करके इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ हमारे इंडिया के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंडिया का राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है। देखिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखा हूँ अपने सरल भाषा में, जैसे अक्सर बहुत लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं। हम सेंड कर रहे हैं, अब देख रहा हूँ वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। भारत का राष्ट्रपति यानी भारत के प्रधान का नाम द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ पूरा आपको जैसा आपने सेंड किया उस तरीके से यहाँ आपको पूरा डिटेल्स में दिखेगा। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था। देखिए पूरा आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कि कब राष्ट्रपति बने थे, क्या हुआ था, पूरा कुछ। अगर मान चलो इस तरीके से आपको और कुछ चाहिए, जैसे मान यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कि दिल्ली से लिए हावड़ा के लिए कितने ट्रेन है, ठीक है, दिल्ली टू हावड़ा के लिए इस तरीके से मैं टाइप करता हूँ कौन ट्रेन है, टाइप किया, सेंड किया। अब देखना आपको आंसर मिलेगा इस तरीके से। देखिए मैं दिल्ली टू हावड़ा कौन ट्रेन है, देखिए दिल्ली से हावड़ा के जाने के लिए देखिए बहुत सबको मिल जाएगा यहाँ पे ट्रेन निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे सबका नाम और उसका ट्रेन का नंबर उसकी टाइमिंग। आप इस तरीके से ना हिंदी में कोई भी सवाल पूछ सकते हो, आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। जो कि ये थोड़ा मुझे अपडेट काफ़ी अच्छा लगा, पहले यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको हिंदी में ही क्वेश्चन करके उसका आंसर ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रेसिपी के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पूछता हूँ, ठीक है, रसगुल्ला बनाने का तरीका क्या है, ठीक है, बनाने का तरीका, सेंड किया। अब देखिए पूरा रेसिपी मुझे मिल जाएगा, देखिए अब यहाँ से देखिए आप पढ़ते जाइए, देखिए रसगुल्ला बनाने का तरीका यह रहा। देखिए यहाँ पूरा सामग्री दिया हुआ है, कितना क्या क्या यूज़ करना है, कैसे उसको मिक्स करना है, यहाँ पे सारा कुछ आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ना AI को अपने सरल भाषा में यूज़ कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताना आपको पहले से ये चीज़ पता था या नहीं। इस वीडियो के यहीं पे एंड करने मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।